गाइस, सो लॉट्स ऑफ यू आस्क मी फ्यू ऑनलाइन फ्यू ऑफलाइन कि गोवा में आप कहाँ रुके थे. सो हियर इज़ द फुल व्लॉग ऑफ आर स्टे. सो बहुत ही अमेजिंग प्लेस है. सबसे पहले मैं बता दूँ, ये है कोलवा बीच के पास साउथ गोवा में, एंड काफ़ी काम प्लेस है, काफ़ी अच्छा वाइब्स आया हमें, तो बहुत मज़ा आया यहाँ पे आके. और इस जगह का नाम है द गोल्डन क्राउन. सो अब चलते हैं हम अंदर, और यहाँ का इंटीरियर बहुत अमेजिंग है, काफ़ी अच्छा लग रहा था अंदर जाते ही. सो सबसे पहले जैसे ही हम आए, हमने ऑनलाइन ऑलरेडी जो बुकिंग्स थी वो कर ली थी. सो हम आए अंदर, बाबू ने कुछ फॉर्मेलिटीज़ थी वो सारी कंप्लीट करी थी. तब तक मैं यहाँ का जो प्रॉपर्टी है वो सर्वे कर रही थी कि कैसा है, क्या क्या है यहाँ पे. मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा इनका जो ऊपर का सीलिंग का डिज़ाइन है वो बहुत सुंदर था. सिया भी काफ़ी इंजॉय कर रही थी. साथ में ही यहाँ पे बच्चों के लिए काफ़ी सारे गेम्स थे, बड़ों के लिए भी गेम्स थे. सो जैसे आप अंदर आओगे ना, बच्चे तो काफ़ी खुश होने वाले हैं, एंड बड़े तो खुश होंगे ही. इतना अच्छा इंटीरियर देखे, बच्चों को क्या ही करना है इससे. सो ये जो प्रॉपर्टी है ना, सबसे पहले तो फैमिली कपल सबके लिए बहुत अच्छा है. अगर आप एक प्लीजेंट टाइम स्पेंड करना चाहते हो कहीं भी ना जाके, जस्ट होटल या फिर रिजॉर्ट में रुक के, तो आप ये जगह ट्राई कर सकते हो, स्पेशली अगर आप गोवा जा रहे हो तो. सो हम एक्चुअली गए थे जस्ट रिलैक्स करने के मूड के हिसाब से, इसलिए हमने एक अच्छा सा होटल चूज़ किया था ताकि हम काफ़ी आरामदायक दिन बिता सके वहाँ पे. सो यहाँ पे आपको अंदर ही रेस्टोरेंट, जिम एंड बुक्स वगैरह मिल जाएंगे अगर आपको रीडिंग का शौक है. साथ में गेम्स का तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ. एंड जिम फ़िलहाल अंडर मेंटेनेंस था, तो यूज़ करने के लिए अवेलेबल नहीं था, बट मे बी आप नेक्स्ट टाइम अगर जाते हो तो आपको मिल जाएगा. साथ में हमारा वेलकम किया गया, वेलकम ड्रिंक्स है, और हमारा सामान ले जाया गया इस तरह से. हमें तो काफ़ी मज़ा आ रहा था अंदर आते ही. अब हम चले हमारे रूम की तरफ. सो रूम में जाने के लिए हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, बिकॉज बाथटब था वहाँ पे, एंड सिया तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी बिकॉज उसको बाथटब में जाके नहाना था. बच्चों को स्विमिंग पूल एंड बाथटब तो बहुत पसंद आता है, एंड बड़ों को भी पसंद आता है. सो हम चले, हमने ऊपर का फ्लोर लिया था. वैसे हमारे पास ऑप्शन था कि हमें नीचे का चाहिए, ग्राउंड फ्लोर चाहिए, या फिर ऊपर का फ्लोर चाहिए, तो हमने ऊपर का फ्लोर लिया बिकॉज वहाँ से जो स्विमिंग पूल का व्यू वगैरह था ना, ऑनलाइन हमने चेक किया था, इमेज में काफ़ी अच्छा दिख रहा था. अब आ गए हम हमारे रूम में, और हमें दिया गया है ये कार्ड जिसके बाद हम एंट्री ले सकते हैं, इसके बिना आप एंट्री नहीं ले सकते हो. और हमने डाल दिया ताकि लाइट्स वगैरह चालू हो जाए. और पहले यहाँ पे बाथरूम ही देख लेते हैं, बाथरूम में बाद में भी दिखाऊंगी आपको वापस से. बट यार, लुक एट द बाथरूम, कितना कलरफुल है, मतलब एक ही कलर है बट काफ़ी अच्छा लग रहा है. एंड ये रही मैं. अब चले हम रूम के अंदर. यहाँ पे रेडी होने के लिए ये मिरर भी दिया हुआ है जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा. एंड ये रहा हमारा रूम, काफ़ी बड़ा स्पेस था. एंड प्राइस मैं आपको एंड में बताऊंगी कि कितने में हमने ये होटल बुक किया था और कितने दिन के लिए बुक किया था. सो यहाँ पे पानी वगैरह आपको सब कुछ मिल जाएगा, पानी, टी आइटम, एवरीथिंग यू विल गेट, उतने मतलब कॉस्ट में इंक्लूडेड रहेगा. आपको जितना पानी चाहिए आप मंगा के यूज़ कर सकते हो, पीने का पानी आई एम टॉकिंग अबाउट. और ये रही गैलरी यानी कि बालकनी, और यहाँ से कितना सुंदर व्यू है. मतलब ऐसे होटल में आप दिन भर बिता सकते हो, अपना टाइम पास कर सकते हो, जो चाहे वो कर सकते हो. अब ये है लगेज एरिया जहाँ पे आपको अपना लगेज रखना है. यहाँ पे आपको एक कबर्ड भी प्रोवाइड किया गया है, जिसमें सेफ भी प्रोवाइड किया है, जिसमें आपका अगर कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या फिर कोई ज्वेलरी वगैरह आप कैरी कर रहे हो और आपको घूमने बाहर जाना है, तो आप उसमें डाल के अपना लॉक वगैरह डाल सकते हो. अब ये दोनों की मस्ती जो है चालू हो गई है. सिया तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही थी बिकॉज होटल्स के जो बेड होते हैं वो कितने ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्प्रिंग वाले होते हैं, तो वो कूद कूद के बस इन्जॉय करे जा रही थी, और मैं भी यहाँ पे गिर गई ये लोग के साथ. अब इसके बाद हम आ गए हैं अगेन नीचे, और हमने थोड़ा सा गेम वगैरह खेला बिकॉज हमें कहीं और जाना नहीं था, तो हमने सोचा चलो प्रॉपर्टी में ही थोड़ा सा टाइम पास कर लेते हैं. तो हमने खेला पूल टाइम पास करते हुए, ऑफकोर्स कोई भी सीरियस नहीं था. हमने फ़ोटो सेशन भी किया पूल खेलते टाइम पे, एंड फोटोजेनिक पूरा प्लेस है, तो आप जहाँ चाहे वहाँ खड़े होके फ़ोटोज़ निकाल सकते हो. आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ओवर एक्टिंग चालू है यहाँ पे. एंड उसके बाद 4 बजे के आसपास हम गए थे पूल में इंजॉय करने. उसके बाद हम गए थे कुछ खाने के लिए बिकॉज हम बहुत ज़्यादा भूखे थे, तो हम बाहर के रेस्टोरेंट में चले गए बिकॉज हमें ऑलरेडी रात का डिनर हमारे ही रिजॉर्ट में करना था, इसलिए हम बाहर चले गए. अब आ गए हम, शाम का टाइम हो चुका है, और ये है शाम का व्यू.
बहुत ही कामिंग सा प्लेस है। अगर आप गोवा जा रहे हो तो आई डेफिनेटली रिकमेंड दिस प्लेस, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। एंड यहाँ पे मैं बता दूँ, अब जो पर रूम का प्राइस है दैट इज़ 4,000 रुपीज़ इंक्लूडिंग GST। सो इतने में हमने स्टे किया था और हम यहाँ पे 3 दिन के लिए थे। सो हम तो बहुत ज़्यादा मज़ा किया, लाइक 2 दिन तो हम बस होटल में ही थे और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। एंड उस 4,000 में आपको ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड होगा, जिसमें लाइव काउंटर्स भी होंगे, फ्रूट जूसेस सब कुछ मिल जाएंगे आपको। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये हमारा चेकआउट वाला डे है एंड अगर आपको और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।